मैं प्रीति और आप सभी का स्वागत है प्रीति मैजिक कुकिंग में। आज हम बनाएंगे एक कप यानी आधा कप आटा, गेहूं का आटा और आधा कप सूजी की मदद से ढेर सारे मोदक। तो मोदक की रेसिपी आज हम बना रहे हैं, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो इंग्रेडिएंट्स में सामग्री में हमें चाहिए काजू 1/4 कप, आलमंड यानी बादाम 2 बड़े चम्मच से, सूजी चाहिए 1/2 कप और गेहूं का आटा चाहिए 1/2 कप, गुड़ चाहिए 1/2 कप, इलायची चाहिए 2 और घी चाहिए 1/2 कप। तो सबसे पहले हम एक बर्तन ले लेंगे, गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और 3 कप पानी डालना है। पानी हल्का गर्म होने लगे तो 2 इलायची डाल दें। दोस्तों इंग्रेडिएंट के सारे लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। मैंने यहाँ पे अभी गुड़ डाल दिया है। अब एक कढ़ाही ले लूँगी, गैस का फ्लेम ऑन कर लूँगी और यहाँ पे घी लेना है। घी जैसा कि मैंने बताया 1/2 कप लेना है। घी अच्छे से डालने पे मोदक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अभी मैं यहाँ पे सूजी डाली हूँ और आटा डाली हूँ, दोनों 1/2 कप यानी दोनों मिलाकर 1 कप। ये खाने में स्वादिष्ट तो होता ही है और हेल्दी भी होता है, तो आप इसे घर में बनाकर गणपति के प्रसाद को में भी बना सकते हैं और बच्चों के लिए भी इसे आप बना सकते हैं। इसे भूनना है, इसे हल्के आंच पे भूनना है, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं भूनना है, नहीं तो ये जलने का डर होता है। अभी यहाँ पे मैं काजू डालूँगी, काजू को तोड़ लेना है। आप चाहें तो पूरी पूरी डाल सकते हैं, लेकिन मोदक के बनाने के टाइम ये टूटे हुए काजू ही अच्छे रहते हैं। इसको भूनते रहना है। अभी मैं बादाम इसमें डालती हूँ, आलमंड, और इसको भी हल्के आंच पे भूनते रहें जब तक ये गोल्डन कलर का ना हो जाए। इसमें से हल्की हल्की सुगंध भी आने लगती है जब ये भून जाता है, तो हमें पता करना हो कि कैसे भून गया है। तो इसमें से सुगंध आनी शुरू हो जाती है और घी अलग होने लगता है और कलर भी हल्का चेंज होने लगता है। बहुत डार्क कलर तक नहीं भूनना है, नहीं तो ये जल जाएगा तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से ये हो गया है। अभी देखिए इधर हमारा गुड़ वाला पानी भी तैयार है, तो इसको हमें मिला देना है कढ़ाही में। कुछ इस प्रकार से बुलबुले आने लगेंगे। दोस्तों आपको ऐसे ही रेसिपीज चाहिए, अगर अच्छे लग रहे हैं तो आपको ऐसे ही रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के साथ करें, ताकि मेरे नए वाले जो भी रेसिपी मैं डालूंगी उसकी अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाए। अभी इसे कंटिन्यूस चलाते रहें। आंच को धीमा ही रखें, तेज बिल्कुल ना करें। ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। अभी यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच से घी डाल दूंगी। अभी इसको कंटिन्यूस चलाते रहना है। अभी ये तैयार हो गया है और इसे गैस का फ्लेम ऑफ करना है, बंद कर देना है और 15 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। 15 मिनट के बाद कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने एक सांचा लिया है जिसमें मोदक बनाऊंगी। आप बिना सांचे के भी मोदक बना सकते हैं, इसमें ढेर सारे मोदक बनकर तैयार हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको एक बनाकर दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं ये कितना खूबसूरत मोदक बनकर तैयार हो गया है। आप ऐसे ही ढेर सारे मोदक इससे बना सकते हैं। आप एक बार इसे ज़रूर से बनाएं, सभी को घर में बहुत पसंद आएगा। जैसा कि ये गुड़ से बना है और ये सूजी और आटे का बना है, तो ये बहुत हेल्दी भी है और साथ ही साथ बहुत स्वादिष्ट भी। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के साथ करें,
तो मिलती हूँ आप सभी से मेरे आने वाले नए वीडियो में।